दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रवि कुमार। स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में दोस्तों, जहां पे हम शादी विवाह के रिश्ते के सिलसिले में आप सभी लोगों का रिश्ता लगाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और आज इसी कड़ी में उपस्थित है एक नई प्रोफाइल लेकर। और दोस्तों ये जो प्रोफाइल आई है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल हो सकती है। यदि आप पिछले काफी समय से एक बेहतर रिश्ते की तलाश कर रहे हैं दोस्तों, हमारी संस्था में किसी भी प्रकार का ऐसा आपको प्रोफाइल उपलब्ध नहीं कराया जाता है जिसकी वास्तविकता कोई नहीं हो। इसलिए दोस्तों जो भी प्रोफाइल हम आपके सामने उपलब्ध कराते हैं वो एक बायोडाटा फॉर्मेट में उपलब्ध कराते हैं। और वही प्रोफाइल जब आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर जब आप रिश्ता लेने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों वही प्रोफाइल कहीं ना कहीं फिर आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी साझा की जाती है। इसलिए दोस्तों हमारे द्वारा प्रोफाइल उपलब्ध कराई जो भी जाती है वो 100% और वास्तविक होती है, वो कोई काल्पनिक प्रोफाइल नहीं होती। इसी प्रकार से दोस्तों आज हम एक आपके लिए एक नया प्रोफाइल, एक नया रिश्ता लेके आए हैं। आइए पहले रिश्ते के बारे में जो जानकारी वो आप तक हम साझा करते हैं, फिर लास्ट में हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आप कैसे शादी विवाह के रिश्ते के सिलसिले में बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों मैडम का नाम है कोमल, बगल में आपको स्क्रीन पर सारी जो जानकारी है वो हम साझा कर रहे हैं, पढ़ के सुना भी रहे हैं। यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश पढ़ने में असुविधा हो रही होगी तो दोस्तों मैडम का नाम है कोमल, उम्र इनकी जो है वो है 25 साल, 25 ईयर्स इनकी उम्र है, नाम कोमल है। हाइट जो है दोस्तों मैडम की जो हाइट है वो है 5 फीट, बिल्कुल परफेक्ट हाइट है, जो शादी विवाह के एक नॉर्मल जो हाइट काउंट किया जाता है जोड़े के रूप में, बिल्कुल परफेक्ट हाइट है। वर्क, क्या वर्क करती है, क्या काम करती है, तो दोस्तों मैम किसी प्रकार का कोई वर्क जॉब नहीं करती, एक हाउसवाइफ मध्यम मिडिल क्लास परिवार की रहने वाली। कास्ट इनकी जो है दोस्तों वो है गुप्ता, कास्ट मतलब हो गया जात बिरादरी या समुदाय आप कहें, ये है गुप्ता कास्ट इनकी है। सिटी का जो नाम है दोस्तों वो है वाराणसी, सिटी का जो नाम है, शहर का या जिले का जो नाम है वो है बनारस या वाराणसी आप कह सकते हैं, ये काशी भी नाम से जाना जाता है। स्टेट जो है, राज्य तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है या उत्तर प्रदेश का ये रिश्ता है। प्रोफाइल क्रिएट कौन किया है, मतलब इस रिश्ते के बारे में जानकारी किसने उपलब्ध कराई, तो दोस्तों इस रिश्ते के बारे में जानकारी इनकी सिस्टर ने उपलब्ध कराई, इनकी सगी बहन ने अपनी बहन के लिए रिश्ते के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो दोस्तों शादी विवाह हुआ है कि नहीं हुआ, तो दोस्तों पहली बार फर्स्ट टाइम मैम अपने शादी विवाह के बारे में जानकारी उपलब्ध करे अपने सिस्टर का। फैमिली डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों इनके पास कितने भाई हैं, टोटल ब्रदर की जो संख्या है वो है नॉट, मतलब कोई भी नहीं भाई भाइयों में है। टोटल सिस्टर की बात करें तो दोस्तों इनके पास टोटल 4 सिस्टर हैं, जिनमें से सभी लोगों की जो है अभी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है। एनुअल इनकम की बात करें दोस्तों साल भर का कितना कमा लेती है, तो इन्होंने स्टार्टिंग होता है भैया आप किसी भी प्रकार का वर्क नहीं करते, नॉट वर्किंग, तो जाहिर सी बात है जब वर्क नहीं करती तो फिर इनकी सैलरी कहां से आएगी या इनकी तनख्वाह कहां होगी, इसलिए नॉट वर्किंग किसी प्रकार का कोई आय का स्रोत नहीं। क्वालिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक जीवन साथी सिलेक्ट करने में किसी भी व्यक्ति को, अहमियत जो सबसे मेन मुद्दा होता है वो है क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई शिक्षा, तो मैडम ने क्लास BA तक पढ़ाई की है। नीचे मैम को आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहा शो कर रहा है, लेकिन उसको हमने प्राइवेसी के लिहाज से ब्लर करके बंद करके छुपा के रखा, उसके पीछे का कारण हमने अपने यूट्यूब में कम से कम 100 से अधिक वीडियो में बता के रखा है। फाइनली बात करें तो दोस्तों इस रिश्ते के बारे में आप कैसे कॉन्टेक्ट या संपर्क कैसे कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपल से एक काम करना है, नीचे आपको हमारे ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। दोस्तों इसमें हमारी जो टीम है वो आपकी कंप्लीट मदद करेगी शादी विवाह के रिश्ते उपलब्ध कराने में। हमारी टीम जो दोस्तों हमारी संस्था जो है वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत में हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी जात बिरादरी समुदाय घर बैठे आप हमसे सर्विस ले सकते हैं, बिना कहीं गए, बिना कहीं आप ट्रेवल किए और पैसा अपना
वेस्ट किए। आप घर बैठे हमसे अपने रिश्ते के बारे में आप हमें जानकारी उपलब्ध कराइए और उसके आपके अकॉर्डिंग हम आपको घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आपके लायक हम रिश्ता आपको उपलब्ध करा दें। लेकिन दोस्तों फाइनली इस वीडियो के लास्ट में एक आपसे शब्द कहना था, यदि आप हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी प्लान के अंतर्गत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट होता है, जो प्राइस होता है, जो पेमेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही मोबाइल नंबर पे ट्रांसफर करना है, पेमेंट करना है। वो उस मोबाइल नंबर का जो लास्ट का 4 डिजिट है, अंक है, वो है 4042 4012 इंग्लिश में आप उसको कहें या 4012 सरल शब्द में कहें। इस नंबर पे जब आप पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो नाम वेरिफिकेशन में आएगा रवि कुमार, मतलब नाम बताया जाएगा कि भैया रवि कुमार का अकाउंट है या रवि कुमार व्यक्ति का नाम है, लास्ट में 4012 है। क्या इन्हीं नंबर पर आप पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं? जब ऐसा आए तो आप बिल्कुल कहिए हाँ। यदि आप दोस्तों इस नंबर के अलावा आप किसी भी नंबर पे पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, फिर बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, या फिर आप दावा करते हैं नहीं सर हमने आपकी संस्था में पेमेंट किया, मैडम ने हमें ये नंबर दिया, हमें वो नंबर दिया था, तो भाई साहब आपकी अपील, आपकी बात कभी भी एक्सेप्ट या मान्य नहीं की जाएगी, आपका पेमेंट कभी काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे कम से कम भाई साहब 100 वीडियो में बात हमेशा कहें, भाई साहब आप जब भी पेमेंट करें हमारे सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही नंबर ही उपलब्ध कराया गया आज तक, वो है 4012 जिसमें आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी नंबर पर आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो दोस्तों इस स्थिति में आप किसी के और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो भाई साहब हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो पसंद, जानकारी अच्छी लगी तो इस प्रकार की और अधिक आप चाहते हैं वीडियो हम आप तक उपलब्ध करें तो दोस्तों उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को आप ऑल पे सेट करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।